नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में और कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं ऐसा मानती मानता था कि मैं काफ़ी गाड़ी कम चलाता हूँ तो ये गाड़ी आप फ्रेम में अभी देख रहे हो कि ये गाड़ी सिर्फ़ इस टाइम तेईस किलोमीटर ही चल चुकी थी जब से मैंने पुराना ऑयल चेंज किया था और नया ऑयल तब से टॉपअप किया था तो ये मैंने चेंज किया था अप्रैल के महीने में जो कि लॉकडाउन चल रहा था उसी टाइम मैंने शॉप से जो है एक डिब्बा ख़रीदा था पहले मेरे पास पड़ा हुआ था कैस्ट्रॉल का तो मैंने वो चेंज किया और अप्रैल से महीने से लेकर अब तक मैंने कल ही ऑयल डलवाया तो छः से सात महीने हो गए तो छः से सात महीने के अंदर आप अप्रैल अभी काउंट करोगे तो छः से सात महीनों के अंदर ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ तेईस सौ किलोमीटर ही चल चुकी थी तो छः महीने के अंदर तेईस सौ किलोमीटर चलना मेरे हिसाब से तो काफ़ी कम था और लगता ही ऐसा काफ़ी कम है तो कई कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑयल जो है अपनी गाड़ी का सात आठ महीने तक चल जाता है पर ऐसा नहीं है दोस्तों देखो पहली प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैंने पिछले महीनों में मतलब अभी अक्टूबर के महीने में ही जब एक दो अक्टूबर को था तब मैंने गाड़ी की सर्विसिंग करवा ली थी पर मैंने ऑयल चेंज नहीं किया था वो इसी के लिए भी किया था तो मैंने आपको बताया फिर से इससे पहले भी तो गाड़ी काफ़ी कम चली चल चुकी थी इसलिए मैंने ऑयल चेंज किया नहीं पर ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और आपको भी ये गलती दोहराना नहीं चाहिए होता क्या है देखो पहली प्रॉब्लम मैंने जब ऑयल चेंज नहीं किया था तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी हार्ड हो चुकी थी और जब मैं ऐसा चल रहा था गाड़ी तो के थी थी, पर तो कहीं कहीं ऐसा ढलान आती थी चढ़ाई पर आती थी चढ़ाई जब मैंने पहले गाड़ी में चलाता था, था तभी वो चढ़ाई जो है एक प्रॉपर चढ़ाई है नज़दीकी है हमारे तो वो जो चढ़ाई है वो थर्ड और फोर्थ गियर में आराम से चढ़ जाती थी, थी गाड़ी दो बंदे गाड़ी पे जब रहते थे तभी पर इस टाइम ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ पर डिरेक्टली सेकंड गियर लगाना पड़ा या फिर फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाना पड़ा तो ये हुआ कि छः महीने के अंदर मैंने ऑयल चेंज किया नहीं और जो विस्कोसिटी है ऑयल की वो एक लिमिट होती है ऑयल की विस्कोसिटी uh, होती है वो काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक कम ही हो चुके होंगे या फिर डायरेक्ट वो ख़त्म ही हो हुई होगी ठीक है ये के रीज़न हो सकता है ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑयल का जो चेंज करने का टाइम होता है टाइम पीरियड होता है वो मेरे हिसाब से मैं पहले चेंज करा करवाता था, था पर ये लॉकडाउन की वजह से गाड़ी चली नहीं इसके वजह से मेरे को जो है वो ज़्यादा देरी हो गए तो आपको चेंज कराना कराना चाहिए तो एक आप हिसाब किताब जोड़ लो कि ढाई से तीन हज़ार किलोमीटर ठीक है ढाई से तीन हज़ार किलोमीटर और चार से पाँच महीनों के अंदर आपको जो है ऑयल चेंज करवाना चाहिए ये सबसे अच्छा टाइम होता है आप कौन से भी मैकेनिक को पूछोगे तो आपको भी वही सलाह देगा वो कि आपको जो है ढाई से तीन हज़ार किलोमीटर या फिर चार से पाँच महीनों के अंदर आपको गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना चाहिए कौन सा भी पीरियड जल्दी आए या फिर आप ढाई से तीन हजार किलोमीटर चलवा लो या फिर चार से पाँच महीनों के अंदर आप गाड़ी का ऑयल जो है वो चेंज करवा लो तो ये काफ़ी आपको अच्छा होगा और आपकी जो इंजन में जो वियर एंड टेयर होता है वो भी काफ़ी कम होगा और जो पिस्टन ख़राब होता है गाड़ी का या फिर गाड़ी धुआं मारने लगती है वो इंजन के ऑइल की, की वजह से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने ये देखा है कि ऑयल वग़ैरह जो है चेंज करने में का, काफ़ी समय हो गया इसलिए जो है गाड़ी के जो पिस्टन स्रिंग होते हैं या फिर पिस्टन या फिर जो वाल्स होते हैं जो भी अपनी गाड़ी चलती है देखो आपके पास टाइम नहीं है वो एक अलग बात है पर अगर आपके पास सर्विसिंग के लिए टाइम नहीं है तो सर्विसिंग आप बाद में भी कर सक कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है सर्विसिंग में काफ़ी कम जो चीज़ें वो चेंज होती है मतलब एयर फिल्टर वग़ैरह वो आप बाद में भी साफ़ करवा सकते हो नो डाउट पर अगर आपके जो गाड़ी का इंजन ऑयल है वो अगर खराब हो मतलब खराब हुआ है या फिर आपको उसको चेंज कराने के लिए अभी टाइम नहीं है तो टाइम निकल वाला मेरी तरह आप कर सकते हो मैं पहले जो है वो ऑयल वगैरह चेंज करा लेता हो उसके बाद में वो मैं जो है सर्विसिंग करवाता हूँ तो यही दोस्तों मुझे आपसे शेयर करनी थी और अगर दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव जो है वो जानकारी मिले और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखें अपना भारत माता की जाए धन्यवाद दोस्तों